आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है सेलुलोज। तो जो पौधे होते हैं, पौधे किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बनते हैं, ठीक है, किससे? कोशिका से। तो जो कोशिका होती है पौधों की, इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति, क्योंकि जंतु में नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है? कोशिका भित्ति। और जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, इसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज, जो कि क्या है? संरचनात्मक, क्या है? संरचनात्मक शुगर है, ठीक है, क्या है? संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट या शुगर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी सेलुलोज की वजह से जो कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है? इसको कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, आकार देती है और बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है। तो पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन देता है? सेलुलोज देता है, ठीक है, जो क्या है? संरचनात्मक शुगर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले प्रोटीन है, जो विकास और वृद्धि में, ठीक है, ये भी संरचनात्मक बनाता है, लेकिन कोशिका भित्ति से ये नहीं बनता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है लिपिड, ठीक है, तो लिपिड भी होता है, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें अधिकतर लिपिड प्रोटीन का सम्मेलन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है क्लोरोप्लास्ट, जो कि किसमें मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, कोशिकांग है। और चौथा है सेलुलोज, तो सेलुलोज ही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही संरचनात्मक शुगर होता है और पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।